अगर आपको फिक्स डिपॉजिट की स्टेबिलिटी से प्यार है लेकिन उसके रिटर्न से नहीं तो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है आपके लिए इस वीडियो में देखते हैं अगर आप फिक्स डिपॉजिट को प्यार करते हैं तो पहले मैं आपको थोड़ा जज कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार यह बोल चुका हूं फिक्स डिपॉजिट इज वैल्यू डिस्ट्रक्टिव अगर आप इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न देखते हैं दोस्तों तो कई बार वो नेगेटिव आता है इसका मतलब आपको फिक्स डिपॉजिट में मिल रहे हैं पांच परसेंट तो आपके सौ रुपए साल के एंड में बन जाएंगे एक सौ पांच लेकिन इन्फ्लेशन भी है पांच परसेंट जो आज चीज जो सौ रुपए की थी वो अगले साल एक सौ पांच रुपए की होगी विच मीन्स आपका पैसा सौ तो हो गया लेकिन जो चीजें आपको खरीदनी थी वो भी एक सौ पांच रुपए की हो चुकी सेम थिंग इसीलिए फिक्स डिपॉजिट फॉर मी इज नॉट अ वे टू ग्रो मनी इट्स अ वे टू प्रोटेक्ट मनी अगर आप एक प्रोटेक्शन मोड में हैं, विच इज वॉट यू शुड बी इन वेन यू आर इन योर लेट थर्टीज मे बी फोर्टीज जो आपके मां बाप उस मोड में होते हैं देन इट्स ग्रेट लेकिन अगर आप अपने ट्वेंटीज़ में हैं, अपने अर्ली थर्टीज में अपने लेट थर्टीज में भी हैं तो आपका फुल फोकस होना चाहिए पैसे को ग्रो करना इन्वेस्ट योर मनी सो दैट इट नॉट सच ग्रेट टूल अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक चीज मैंने जानी है बहुत ही कीमती रहस्य है कि 1.25 से 1.5x की स्पीड पे मेरी खूबसूरती अलग ही लेवल पे हो जाती है <laughs> मैं बूढ़ा हो चुका हूं बहुत धीरे धीरे बोलता हूं is seemingly like the winner. उसको ट्राई करिए है। देखते हैं, हैं। शायद कुछ अलग होगा। वापस आते हैं। तो मनी नॉट टू ग्रो योर मनी अब स्टॉक मार्केट जो है वो एक अदर एक्सट्रीम है वेयर आई वुड स्ट्रांगली इंकरेज यू टू हैव दैट मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है जहां मैं अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी शेयर करता हूं और उसमें 90% एलोकेशन मेरा स्टॉक्स की तरफ ही है बट देर इज ऑलमोस्ट लाइक डिपॉजिट की थोड़ी सी महक एक स्टेबिलिटी एक ऐसा गारंटी कि यार एक साल बाद दो साल बाद तीन साल बाद इतना पैसा तो आएगा ही आएगा चाहे जो भी हो जाए धूप आए बाढ़ आए बारिश आए मेरे रिसर्च में मुझे पता चला देर इज समथिंग कॉल्ड बॉन्ड्स बॉन्ड्स आर लाइक फिक्स डिपॉजिट्स एंड दैट्स वट आई वॉन्टेड टू टॉक यू अबाउट बहुत ही इंटरेस्टिंग एसेट है एंड आई फील इ ऑफ वट एज यू आर इन अगर आप अपने ट्वेंटीज में हैं थर्टीज में हैं बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना इज अ स्मार्ट थिंग द एलोकेशन इज वॉट विल डिफर अगर आप यंग हैं तो मे बी टेन टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ योर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट गोज टू बॉन्ड्स अगर आप मेच्योर हैं एज हैं सो देन द एलोकेशन बिकम्स हायर मे बी थर्टी फोर्टी इवन फिफ्टी परसेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं अब एक कंपनी जब अपना कोई भी काम करना चाहती है उसके लिए उसको पैसे चाहिए होंगे एंड पैसे दो तरीके से आते हैं एक तो जो वो बिजनेस कर रहे हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं विच इज ग्रेट लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि एक बड़ी सी कोई फैक्ट्री सेटअप करनी है या एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो जो भी पैसा साल दर साल आता है दैट इज नॉट इनफ गो बैक टू अ टाइम जब रिलायंस ने ये बोला था कि मुझे जियो लॉन्च करना है जियो लॉन्च करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स चाहिए थी जो शायद रिलायंस के पास नहीं थी आई डोंट नो द डिटेल्स मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको तो उस पॉइंट पे दे नीड मोर मनी देन दे एक्चुअली हैव एंड हैव टू बोरो मनी अब बोरो के लिए दो तरीके होते हैं पहला कि आप अपने स्टॉक्स को बेचकर बोरो करेंगे बट एज यू कैन इमेजिन अब कंपनी को अगर पैसे चाहिए वो तो अपने शेयर थोड़ी बेचती रहेगी बिकॉज उसकी वजह से उसकी जो ओनरशिप है वो कम होती रहेगी दे डोंट डू दैट सो द थिंग लोन्स जो कि हम और आप भी लेते हैं गाड़ी का लोन घर का लोन वैसे ही कंपनी को भी एक कंपनी लोन चाहिए होगा अब वो कंपनी लोन या तो वो बैंक से ले सकती है या दे ऑल्सो डू समथिंग कॉल्ड कॉपोरेट बॉन्ड्स विच मीनस कंपनी ये बोलती है कि मुझे मार्केट में इस पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए फर्ज करिए सौ रुपए चाहिए और इस सौ रुपए के लिए मैं आपको एक रेट ऑफ रिटर्न देने के लिए तैयार हूं तो अगर आप मुझे सौ रुपए देंगे तो मैं आपको गारंटीड रेट ऑफ रिटर्न जस्ट लाइक अ फिक्स डिपॉजिट दूंगा इट विल हैव अ पीरियड जिसके बाद मैं आपको ये पैसा वापस लौटाऊंगा एंड हैव रेट ऑफ रिटर्न विच इज एट दी एंड ऑफ द पीरियड में कितना पैसा आपको लौटाऊंगा एंड वो आपके ओरिजिनल पैसे से कितना होगा That's called a corporate bond. अब इसमें चैलेंजेस क्या है पॉजिटिव तो बहुत क्लियर है एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न है यूजली मच हायर देन फिक्स डिपॉजिट मैं दिखाऊंगा यूजली क्या होते हैं गारंटीड है, Guaranteed है इसका मतलब कि आपको कोई मार्केट कंडीशन से कुछ लेना देना नहीं है मार्केट ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता एट द एंड ऑफ दैट पीरियड यू नो एग्जैक्टली यू विल गेट व्हिच इज ब्रिलियंट इट्स सिक्योर इट्स स्टेबल इट्स गारंटीड चैलेंज नंबर वन चैलेंज नंबर वन ये है कि खुदा ना खासता अगर कंपनी को कुछ हो गया तो इट्स पॉसिबल दैट दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू रिटर्न दिस लोन सेकंड कंपनी किस चीज के लिए यूज कर रही है उस चीज के वजह से उसको कितना प्रॉफिट मिलता है कितनी ग्रोथ होती है मैनेजमेंट टीम कैसी है वो कंपनी कितनी दूर है उसके पीछे क्या क्या चल रहा है इट्स जस्ट रियली हार्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू फिगर दैट आउट विच इज वाई फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम ये जो कॉपोरेट बॉन्ड्स थे इसको खरीदने वाले कंपनियां ही थी तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि टाटा को पैसे चाहिए और टाटा अपना एक कॉपोरेट बॉन्ड अनाउंस करता है और रिलायंस के पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है अपने बैंक में तो उनका ये फर्ज बनता है कि वो पैसा जंग ना खा रहा हो एफ में तो नहीं डालेंगे स्टॉक मार्केट में डालना एक कंपनी के लिए बहुत रिस्की है या शायद नहीं डालना चाहते सो देर बी लाइक हाँ यार टाटा एक बहुत रिलायबल कंपनी है तो उन्हीं के बॉन्ड खरीद लेते हैं बट दैट मीन यू एन आई हु आर लाइक रिटेल इन्वेस्टर्स छोटे आम आदमी मैंगो पीपल हमें ये सब कॉपोरेट बॉन्ड्स देखने के लिए नहीं मिलते थे अब जाके शुरू हुआ है यू कैन एक्चुअली बाय कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड टू मेक द थिंग ट्रांसपेरेंट देर आर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और सी आर एज सो दीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज और सी आर एज रेट कंट्रीज कंपनीज ऑन लोन वर्दीनेस दीज रेटिंग्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रिपल ए तो ए ए ए ऑल द वे टू डी and the nomenclature is triple a double a single a triple b double b single b c and d triple a is called investment grade khara sona triple a agar koi bhi company ko mil jaye उसके बॉन्ड के लिए इसका मतलब यह है the credit rating agency says ये सबसे बढ़िया कंपनी है स्कोप ही नहीं है कि ये कभी भी अपना पैसा जो उन्होंने लिया है वो वापस नहीं कर पाएंगे प्लीज आंखें बंद करके ले लीजिए डबल ए इट इज ऑल्सो वेरी गुड नॉट एज गुड एज ट्रिपल ए बट ऑल्सो वेरी गुड ए ऑल्सो वेरी गुड तो ट्रिपल ए डबल ए एंड ए आर कंसिडर्ड गुड इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स ट्रिपल बी डबल बी में थोड़ा सा फिर आ जाता है इट इज लाइक है तो अच्छी सब कुछ सही है लेकिन रिस्क है नहीं होगा टू give पैक द मनी इन टाइम और गिव इट एट ऑल एंड देन सिंगल बी सी और डी तो मतलब रहने ही दीजिए वो इशू तो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं लगता आपको यह लेना चाहिए तो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक ऐसा बॉन्ड खरीदना चाहते हैं तो यू विल फोकस ऑन द ए कैटेगरी एंड इज हाउ इट बेसिकली जब एक बॉन्ड इशू होता है उसमें होता है एक रेट कहते हैं कूपन रेट कंफ्यूज मत तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न इट विल बी डिसाइडेड कि यह पैसा आपको कब वापस मिलेगा उससे पहले आप विड्रॉ नहीं कर सकते you will get that amount which is called the maturity amount after that period and this will clearly show you आपने इतना डाला इतना rate of return मिला तो इतने साल के बाद इतना पैसा guaranteed आपके पास अब ये सारी चीजें तो मैंने सिखा दी और इससे अब एक नया investment class पता हुआ है कि फिक्स्ड डिपॉजिट में अगर आप डालना चाहते हैं या मां-बाप फोर्स कर रहे हैं सो अ फार बेटर अल्टरनेटिव इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स सवाल ये है कि के खरीदे कहां से जाते हैं सो आई फिगर्ट वन डेस्टिनेशन दैट डज अ ग्रेट जॉब ऑफ दिस एज यू वुड मैं प्रोडक्ट का बहुत ही शौकीन हूं प्रोडक्ट सही होना चाहिए एंड द प्रोडक्ट दैट आई वॉन्टेड टू शो टू ऑल ऑफ यू इज कॉल्ड गोल्डन पाए डॉट कॉम गोल्डन बाय डॉट कॉम इंडिया का फर्स्ट एंड परहैप्स लार्जेस्ट सेटअप है ऑफ कॉपोरेट बॉन्ड इशूंग इट इज नॉट इशूंग द बॉन्ड ऑन इट्स ओन जैसे एक इंटरमीडरी होता है जैसे एक स्मॉल केस है या बहुत सारे ऐसे हैं दिस इज ऑल्सो इंटरमीडरी सारे जो आप बॉन्ड खरीदेंगे वो आपके डीमैट अकाउंट में ही जाएंगे जो भी आप ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो एंड ऑल दैट गोल्डन पाई डॉट कॉम डज इज द सेम थिंग दैट मेक माई ट्रिप डज आपको सिंपल ट्रांसपेरेंटली ये दिखाएगा कि ये आपके ऑप्शन हैं आप चूज कर सकते हैं जब आपने डिसाइड कर लिया तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं आपका इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली आपके डीमैट में ही जाएगा वी आर जस्ट द वन हु आर इंटरमीडियरी इन दिस एंड हम अपना जो पैसा है वो बॉन्ड वालों से कमाते हैं आपके लिए कोई चार्ज नहीं है आई टू शो यू अ फ्यू स्क्रीन दैट आर रियली लाइक इन दैट एंड दैट विल हेल्प यू अप्रिशिएट कि मुझे ये प्रोडक्ट इतना पसंद क्यों आया सो गोल्डन पाई डॉट कॉम अगर आप जाते हैं आई हैव लॉग्ड इन डिस्कवर बॉन्ड्स पे जाइए बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग

दो लाख पांच हजार के करीब मिनिमम इन्वेस्टमेंट है यील्ड थिंक ऑफ दिस एज योर रेट ऑफ रिटर्न कि इतना मिलेगा नाउ दिस इज सडनली ग्रेट राइट क्योंकि थर्टीन पॉइंट थ्री सेवन परसेंट है विच इज फार हायर देन अ अक्स डिपॉजिट जो कि क्या है पांच से छह परसेंट एट बेस्ट बट यू इंस्टेंटली सी कि इसकी जो रेटिंग है दैट इज ए माइनस विच मीन्स ए से भी कम एंड दैट मीन्स इट इज रिस्की उ इट बिकम्स योर कॉल की आप उसको देखना चाहते हैं या नहीं लेट्स में लॉजिक है जहां रिस्क ज्यादा होगा वहां रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा जहां रिस्क कम होगा वहां रिटर्न भी कम मिलेगा विच इज वाई फिक्स डिपोजिट के रिटर्न सबसे कम होते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिस्क फ्री होते हैं दिस इज डबल ए तो ट्रिपल ए से कम है

आपको यरली पेमेंट मिलेगी अपने इंटरेस्ट की एंड एट द एंड ऑफ दिस मेच्योरिटी पीरियड जो कि है 2026 आपको अपना पूरा अमाउंट मिलेगा प्लस एनी इंटरेस्ट दैट यू वुड हैव अक्रूड बाय देन टैक्सेबल है दिस इज जस्ट लाइक एफडी जो भी आप इंटरेस्ट करेंगे वो पूरा 100 परसेंट टैक्सेबल होगा अकॉर्डिंग टू योर टैक्स लैब्स बट दिस इज वेरी गेट इंटरेस्टिंग सो क्रेडिट रेटिंग डबल ए विच इज गुड बॉन्ड कैन बी कंसिडर्ड फॉर मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज फॉर एनुअल रिटर्न

अगर मैं एच डी एफ सी पे फिक्स डिपॉजिट डालूंगा तो मुझे साढ़े पांच परसेंट एफ डी रिटर्न मिलेगा यहाँ टेन पॉइंट टू नाइन मिल रहा है अगर मैं पोस्ट टैक्स देखता हूँ तो थ्री पॉइंट सिक्स एट एफ डी का है और यहां सिक्स पॉइंट एट एट है विच मीन्स कि हर दस लाख रुपये इन्वेस्ट करने पर मुझे एक लाख साठ हजार रुपये ज्यादा मिलेंगे इन फाइव ईयर्स देन पुटिंग इट इन एफ डी विच इज फेयरली बिग अमाउंट ऑफ मनी एंड देन यू हैव ऑल दी अदर थिंग्स दैट आर थिंगट यहां आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट दो लाख 5000 हजार अगर आप करते हैं तो एट द एंड ऑफ दिस पीरियड जो कि 2026 की मेचोरिटी है यू विल अर्न वन लाख इलेवन थाउजेंड एज इंटरेस्ट एंड योर टोटल रिटर्न विल बी थ्री लाख इलेवन थाउजेंड कैश फ्लो देखने के लिए यू विल बेसिकली हैव दैट तो हर उनतीस जून को फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर अंटिल टू आपको अठारह हजार मिलेंगे And at the end of the year, you will get 18,600 plus your value, thi, which is the 2 lakh rupay. It makes it very, very simple. Invest, karne ke le, normal process, wahi, KYC, and all the things that are required. I found this to be a really simple, very, very effective tool. And generally, if you are considering corporate bonds, then I would strongly recommend this product. सिंपली बिकॉज आई लव यूजिंग इट एंड आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल कॉपर बॉन्ड पे अगर कोई भी शक सवाल हो तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में पूछिए मैं भी आप आपके जैसे सीख रहा हूं जितना आप पूछेंगे उतना मैं सीखूंगा जितना मैं सीखूंगा सिखा पाऊंगा कुरबारिक को साइनिंग ऑफ अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले